युवाओं का सपोर्ट है वो कितना? आप जो पूछ रहे हैं, देखिए चुनौती हमारी नहीं है क्योंकि ये एक लोकतंत्र है और जनता ने उन्हें चुना है जो हमारे सामने है। तो क्या वो जनता के विश्वास पर खरे उतर कर आ पाए हैं, ये जनता ही चुनकर वापस बताएगी। तो उससे ज्यादा हम क्या बोलें। जो प्रोफेशनल्स की आज यहाँ पे संवाद कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें युवा भी हैं, तमाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कई अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए, क्या लगता है इनकी ताकत आपको और कितना मजबूती प्रदान करेगी? जी अभी तो कार्यक्रम बस शुरू ही हुआ है तो हम अभी तक चर्चा नहीं कर पाए हैं, पर जितना युवाओं की बात करें तो जितनी भी शिक्षित युवा हैं और जितने भी शिक्षित लोग हैं यहाँ पर भी हम जितने मिल रहे हैं, सब अपने ही फील्ड में बहुत सेलिब्रेटेड हैं एक तरीके से, और उन्होंने काफ़ी जो भी उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है समाज के प्रति, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे लोग हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं तो इनकी आवाज़ें जो महत्व रोल प्ले करती है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं आगे देश को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सबको मिलकर इस लोकतंत्र में अपना हिस्सा निभाना है और चुनाव एक महापर्व है जो उसी चीज को दिखाता है। तो यहाँ पर जितने भी आवाजें, जितने भी सोच आ रहे हैं अलग अलग फील्ड से जो लोग आ रहे हैं, युवा भी हैं, उनकी भी हम सोच को आगे कैसे लेके जाएं और क्या क्या हो सकता है वो करें। उनके लिए क्या विजन है आपका? देखिए विजन यूथ के लिए क्या विजन? जी विजन का अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है युवाओं का वो है बेरोजगारी, क्योंकि युवाओं के पास आज नौकरी नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है कि शिक्षित युवाओं के पास भी नौकरी नहीं है, तो लोग इतनी शिक्षा ले लेते हैं, वो आप सोच सकते हो कि लोन भी लेकर वो लोन के नीचे दबे हुए हैं, ऊपर से शिक्षा भी ले ली और नौकरी भी नहीं मिल रही तो बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसको जो हम कैसे उसका समाधान ढूंढें, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि युवाओं को कैसे हम स्किल डेवलपमेंट के तरफ लेके जाएं ताकि लोग उद्योग आकर उनको नौकरियां दे पाएं। और यहाँ पर अगर हम रांची की बात करें तो रांची के जो युवा हैं उनको भी हम कैसे शिक्षित कर पाएं और फिर स्किल कैसे कर पाएं ताकि यहाँ के लोग उनको रोजगार देकर आगे बढ़ा पाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा। थैंक यू।